हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम आपको ऑफर करते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, जो कि आप अपने घर पे लाइव मेरे साथ ले सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको सिखाते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें फॉर्मूला, डैशबोर्ड, एरे, डायनेमिक एंड वीवीए मैक्रो के साथ कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन सीखते हैं। इसमें एमएस एक्सेल और सिक्कल भी इंक्लूडेड होता है। तो हमारी ये डैशबोर्ड की क्लास है, जो कि हमारे कुछ बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं। आई चलिए इस क्लासेस को हम ऑनलाइन लेते हैं। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, सुनाई दे रहे सर। ओके, तो प्लीज आप अपने अपने माइक को म्यूट कर ले, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से शोर आ सकता है। ये सेशन रिकॉर्ड भी होगा, तो रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर सुनाई देगा, इसलिए आप लोग अपने अपने हेडफोन को रिकॉर्ड कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। जब कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमारी संडे की फ्री डैशबोर्ड क्लासेज है, जो कि कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता था। तो कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, तो ज्वाइन होते रहेंगे। तो आज हम आप लोगों को डैशबोर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात जानिए कि व्हाट इज अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? कोई एक अलग सॉफ्टवेयर, कुछ अलग कमांड या कुछ अलग टॉपिक? डैशबोर्ड का अगर हम मतलब निकालें, हाँ कि अखिल जी क्या बात कर, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रही है, हो रही रिकॉर्ड सर। तो अगर डैशबोर्ड का मीनिंग निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरैक्टिव टूल, एक एडवांस टूल, जिसके जरिए हम हर एक चीज़ को एक जगह पे पा सके। जैसे कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो कार के सामने की जो चीज़ें होती हैं उसको भी हम डैशबोर्ड ही कहते हैं। मतलब कि कार का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है, हर एक चीज़ का, डिक्की से लेकर दरवाज़ा से लेकर लाइट से लेकर एवरीथिंग। वो अपने सीट पर बैठे गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। उसी तरीके से जब हम रिपोर्ट बनाएं, तो रिपोर्ट का हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, एक ही व्यू पे, एक ही लोकेशन में होना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत उसे ना पड़े। अगर हम एग्जांपल दिखाएं आपको, तो मैंने कल ही शाम को एक सेशन रिकॉर्ड किया था कस्टमर सर्विस रिपोर्ट का। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डैशबोर्ड, इससे पता चलता है कि डैशबोर्ड कोई एक टूल्स नहीं है, डैशबोर्ड एक टॉपिक है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने इंटरेक्टिव रिपोर्ट बना सकते हो, मीनिंगफुल रिपोर्ट बना सकते हो, और क्विकली अपडेट होने वाला रिपोर्ट बना सकते हो। एक सिंपल मैंने डैशबोर्ड बनाया था, देख लीजिए, बताता हूँ आपको। यहाँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं जो भी मंथ सेलेक्ट करूँ, से मंथ नवंबर सेलेक्ट किया तो नवंबर महीने का आ जाए, इतने हैग हो गया एक्सेल। मेरे पास एक्सेल के कुछ दो तीन वर्जन डाउनलोड है ना, इस कारण से दिक्कत होती है, इसलिए मुझे ओपन करना पड़ता है पहले एक्सेल। ये मैं यहाँ से मंथ सेलेक्ट करूँ और मंथ का एवरीथिंग रिपोर्ट हमारे एक सिस्टम पे यहाँ पे दिख जाए। तो इंटरैक्टिव सेशन होता है। तो डैशबोर्ड के लिए आप जानिए कि डैशबोर्ड बनाने के लिए आप, इससे पहले भी बहुत सारे डैशबोर्ड आपको दिखाया होगा, और गूगल पे जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे डैशबोर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो डैशबोर्ड आखिर मैंने क्या, कुछ अलग तरीका हमें जानने पड़ते हैं उस डैशबोर्ड को बनाने में, या उसी तरीके से हो जाता है? तो मैं आपके सामने एक और डैशबोर्ड एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये डैशबोर्ड है जो कि एक सिंपल सेल्स रिपोर्ट शो कर रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स का ट्रेंड दिख रहा है, फिर यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन वाइज सेल्स दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स बाई रीजन है, टॉप कस्टमर्स हैं, अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाई इनवाइस है कि 10,000 से 20,000 में कितने इनवाइस कनेक्ट हुए, ये सारा है।
और मैं यहाँ से अपने फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब पता चला कि मैं इसको डिटेल में देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुँच जाएगा जहाँ पे इसका डेटा और एवरीथिंग है। वापस मुझे डैशबोर्ड पे आना है तो यहाँ पे आ गया। तो गुड नेविगेट भी होना चाहिए, गुड लुकिंग, मोर यूजफुल, टोटल कंट्रोल एंड ईजी टू नेविगेट। और बात क्या होता है, ईजी टू अपडेट, मतलब कि अब मैं इसको डेटा अपडेट करूँगा तो मेरा पिवट भी ऑटोमेटिकली अपडेट, मेरा जो है ये डेटा भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो क्या चीज़ है, मैं क्या होता है पिवट टेबल की, इसकी डैशबोर्ड की खासियत क्या होती है, खासियत होता है पहली खासियत होती है टोटल कंट्रोल इन द वन व्यू। अब यहीं पे मुझे पूरे रिपोर्ट की कंट्रोल है। गुड लुकिंग, एक अच्छा लुकिंग लुक होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में इजली होता है। और चौथा होता है इजी टू नेविगेट, उसको हम नेविगेट भी अच्छी तरीके से कर सके। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट होता है इजी टू अपडेट, कि आपका अपडेट भी ऑटोमेटिकली हो जाए। तो एक अच्छा डैशबोर्ड का पांच खासियत मैंने अपने एंड से निकाला है कि इसके अंदर पांच खासियत होने चाहिए। पहला, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, पहला आना चाहिए टोटल कंट्रोल, कि एक ही जगह पर पूरी तरह कंट्रोल होना चाहिए। अब मुझे किसी और चीज़ देखने के लिए मुझे किसी और सीट में नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इजी टू नेविगेट, गुड लुकिंग, मोर इन्फॉर्मेशन फुल एंड इजी टू अपडेट। ये इसके माने कि एक अच्छी डैशबोर्ड की पहचान होती है। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर एक्सेल में मतलब कि अपने एंड से अगर मुझे एक्सेल के अंदर मैंने डैशबोर्ड बनाने हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हम एक अच्छा डैशबोर्ड बना सकें। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहिए चार्ट्स, चार्ट्स की फॉर्मेटिंग एंड उसके होने वाले सारे एवरीथिंग द डायनेमिक होता है, उस डायनेमिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। तीसरा है पिवट, कि आपकी पिवट पे भी कमांड होनी चाहिए। पांचवा आपका आता है एरे, आपके पास एरे फॉर्मूले का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका वीवीए, आपकी वीवीए भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन चारों पार्ट को मिलाकर हम एक अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब चलिए हम इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि और एक अच्छा और एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड कैसे बनाया जा सके, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो अगर डैशबोर्ड की एग्जांपल देखना चाहे तो आपके इसमें डैशबोर्ड एक्सेल हेल्प में ही आपके पास मिल जाएगा। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है सर, एक साथ में कई DH हो गया। अब राहुल जी मीटिंग आईडी मांग रहे हैं तो उनको मैं मीटिंग आईडी दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा व्हाट्सएप पे था। अब ये भी आपका देखिए डैशबोर्ड आ गया, अभी तो कम आया और भी बहुत सारे डैशबोर्ड इसमें आ सकते हैं। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे एक वेट लॉस ट्रैकर बना रखा है, इस तरह का डैशबोर्ड आप अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि सीट के नेविगेशन यहाँ पे है ना, अब नेविगेशन की बात कर रहे थे, सीट की नेविगेशन यहाँ पे है लेकिन फिर भी नेविगेशन इसने यहाँ पे कर रखा है। एक लग रहा है ना कि जिस तरह की टैब हम लोग इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का टैब।
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये इस रिपोर्ट का समझने की कोशिश कीजिए क्या है सबसे पहले, ये बाकी चार से इसने वेट लॉस वगैरह दिखा रखा है, कि सबसे पहले इसने डेटा एंट्री की, जो भी आप डेली बेसिस पे डेटा एंट्री करोगे आप यहाँ पे डेटा एंट्री करोगे, डेटा एंट्री में क्या है, डेट है, आपकी वेट क्या है, कैलोरीज बर्न, प्रोटीन, बाकी जो फैट्स ये होता है, ये बाकी जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं एसोसिएशन की, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब इसके वजह से डैशबोर्ड पे क्या होता है कि पर्टिकुलर डेट यहाँ पे आता है कि स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में आपका जो स्टार्टिंग वेट ए था, आपकी हाइट ए थी और आपने 10 इन किया, हाइएस्ट कैलोरीज यहाँ पे कैलकुलेट है, बीमारी है, इस तरह से फॉर्मूले से यहाँ पे आ रखा है। तो मैं ये नहीं करा कि फॉर्मूले क्या है या फिर आपकी तो जिम तो है ही नहीं जो आप जिम का ट्रैकर बनाओगे, जिम में तो काम नहीं करते, लेकिन देखिए कितनी अच्छी से एक फॉर्मेट यहाँ पे इसने डिज़ाइन कर रखा है। उसके बाद इसने वेट लो, ये जो चार्ट्स है, ये चार्ट्स को इसने इसका वेट का, कैलोरीज बर्न का, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका इंटैक ट्रेन एंड वाटर ओएज बाकी चीज़ का ट्रेन बना रखा है, ठीक है। और ये ग्राफ, तो इसमें दो चीज़ें जो है वो अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहला कि ग्राफ का जो पैरामीटर है ये कैसे बढ़ा और कैसे घटा परसेंटेज में, और दूसरा कि ये कैसे, ये जो नेविगेशन है नेविगेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चार्ट के बारे में बात करते हैं कि इस तरह का पैरामीटर चार्ट जो है कैसे बनेगा। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10% लिखा तो इसको परसेंटेज में हमें शो करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कल ही रिपोर्ट को देखा था और मैंने कल ही इस चीज़ पे मैंने किया था कि मैंने 100%, 10%, 100% और हाँ 100% ऐसे लिख के इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट किया, क्या थी राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहाँ पे गैप होता है, ओवरलैप, सॉरी ओवरलैप मैं 100% कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ाने के लिए यहाँ से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे चार्ट सीरीज में 2 आ रहा है, 2 के जगह पे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, चला गया। अब क्या करें, तो हमें मदद करेगा शैप, शैप में गए और शैप में एक अच्छा सा शैप यहाँ पर हम ड्रॉ करने की कोशिश, इसी को ले लेता हूँ, ऐसा और भी है लेकिन मैं इसी को ले लेता हूँ। अब इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ मैं, और इसका जो कलर है वो कलर यहाँ पे नहीं, कलर आउटलाइन, कलर आउटलाइन कलर यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा करना है तो सा मोटा कर देता हूँ, सही है मोटा सही है। मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर इस पर जाऊँगा और इसकी फॉर्मेटिंग में फिल पे जाऊँगा, फिल, फिल पे यही पे आपके पास जो है सॉलिड यहाँ पे पिक्चर्स आता है, इसी में क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इस नीचे वाले को सेलेक्ट किया हुआ, अब इसमें वापस आता हूँ,
वापस इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका वापस इसमें जाते हैं फॉर्मेट में, और इसका कलर फिल कर देते हैं, कलर में यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, और इसकी आउटलाइन यहाँ से नो आउटलाइन कर देता हूँ। फिर इसको मैं कॉपी करूँगा और इस पर सेलेक्ट करूँगा फिल, फिल में आएंगे और पिक्चर्स, एंड यहाँ पे कर देंगे क्लिप बोर्ड। अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे 10% 20 यहाँ पे लिखेंगे ना, इसको लिंक कर देता हूँ मैं। ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, 50%, 60%, तो इस तरह का लुकिंग आ गया। अब इसमें और इन्फॉर्मेशन कर लें तो और इस तरह परसेंटेज का बन सकता है। तो इस तरह का चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है इस तरह के नेविगेशन कैसे बनाओगे आप, जो नेविगेशन आप देख रहे हो इस तरह का नेविगेशन आप किस तरह से करोगे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे 3 सीट रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक एरिया को सिलेक्ट करके ब्लैक करूंगा, एक एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ब्लैक कर, और उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद हम सैप्स यहाँ से लेते हैं जो कि वो एंगल बना सके। यहाँ पे कौन सा सैप होगा, देखना पड़ेगा ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसी को ड्रैग करते हैं पहले। और यहीं पे इसको हम एडिट कर सकते हैं, एडिट पॉइंट्स, हाँ यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट एज ए पिक्चर। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके, अभी पिक्चर हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट एज ए पिक्चर कर दिया।
तो पिक्चर हो गया, हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कॉट करता हूँ, कॉट, और हम यहाँ पे इसका आधा पार्ट रखते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर दें, कंट्रोल प्रेस करके हम इसको ड्रैग करते हैं। और इसको हम से ये करते हैं, विंग फ्रंट, और फिर इसको सेंड बैक। अब इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं इंसर्ट, यहीं पे आपको शायद में हमें गलती किया था, हमें पहले लिख लेना चाहिए था तीनों को, लेकिन हमने कोई बात नहीं, हम गलती सुधार लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डैश बोर्ड, थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ, कलर वाइट करता हूँ, उसके बाद अगेन इंसर्ट, डेटा, नो फिल, नो लाइन, और इसकी कलर जो है वाइट कलर। तो बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि आप इसी को कॉपी करें कंट्रोल सी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल वी, और यहाँ पे आप कर दे रिपोर्ट या कुछ ऐसा जो भी लिखना चाहते लिख दिया हमने। अब इस सेम यहाँ से उठाएंगे इसको कॉपी और शीट टू पे करेंगे पेस्ट, एंड शीट थ्री ऑल्सो पेस्ट, तीन सीट है, तीन सीटें पेस्ट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इसमें हमारा ए जो है ए ऊपर है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है इसको जो है फ्रंट कर देंगे, और फिर इसके बाद जाएंगे तो इसको कर देते हैं सेंड बैक, और इसको कर देंगे विंग फ्रंट। कंट्रोल सेलेक्ट करके एक मिनट, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये इस पर जो लिखा हुआ वर्ड था वो पीछे चला गया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमें पहले टाइप कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इस दोनों को ग्रुप कर देते हैं, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप, और सेम इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया एंड ग्रुप, और यहां भी सिलेक्ट किया एंड ग्रुप, तो हमें इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ताकि हमारा काम हो सके, अब मैं इसके हटा देता हूँ इससे यहाँ से,
अब एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल जी स्पेशल और इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके करेंगे और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ भी कंट्रोल जी स्पेशल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड ओके डिलीट कर दिया और फिर इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और अगेन यहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और सेम जो हम कर रहे थे कि इस पे हमारा ए फ्रंट होगा और यहां पे हमारा इसको फ्रंट करना है और इस पे हमें इसको फ्रंट करना है। ठीक है, अब हम आपस में ये कर देते हैं, हाइपरलिंक लगाते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक, इस पे हमारा सीट वन का हाइपरलिंक होगा इस पे हमारा सीट टू का हाइपरलिंक होगा और इस पे हमारा सीट थ्री का हाइपरलिंक। और सेम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, राइट क्लिक हाइपरलिंक सीट वन, राइट क्लिक हाइपरलिंक बुकमार्क सीट टू एंड राइट क्लिक हाइपरलिंक सीट थ्री, तीसरे सीट का हाइपर कर देंगे और सेम यहां पे भी आएंगे राइट क्लिक हाइपरलिंक बुकमार्क सीट वन से इसको हाइपरलिंक करेंगे और फिर यहीं पे आएंगे राइट क्लिक हाइपरलिंक C2, इसको C2 से हाइपरलिंक करेंगे एंड यही पे सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, हाँ राइट क्लिक हाइपरलिंक बुकमार्क और ये हमारा C3 से हाइपरलिंक हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा आपको लग रहा है कि हमारा डेटा नेविगेट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, सीट टू पे मैंने कहीं माइक्रो साइन कर दिया लग रहा है, मैंने रिमूव हाइपरलिंक और इस पे हाइपरलिंक। तो जब भी आप डैश, आप थोड़ी सी बोर्डिंग हो रही होगी आपको, जब भी आप डैशबोर्ड बनाओगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा काम ऑटो ए होता है जो कि मैनुअल होता है और एक बार बनाने के बाद उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम डैशबोर्ड वही बनाते हैं जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम डेटा एंट्री बनाया तो सेम हमारा बन गया और इसके जैसे हमने यहाँ पे अभी ए लिया है, मतलब कि आर्ट्स लिए थे, तो इसे और बेटर दिखाने के लिए हम इसमें पिक्चर्स भी ले सकते थे, टैब के पिक्चर्स भी ले सकते थे, जैसे कि आपके इंटरनेट के टैब के पिक्चर होते हैं वो टैब के पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो मोर चीज़ें थी क्या थी, मेरे माना कि जो ऐसा चीज़ें तो आप नॉर्मली बना सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है ए, कि अब इस पर ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा चेंज होता है, ये कैसे? तो इस डैशबोर्ड में जो टैब्स बने हैं, जिस डैशबोर्ड, ये हमारा जो जिम का ये सामने है, जिम का डैशबोर्ड, तो ऊपर इसके टैब्स, अगर हम इस टैब को कॉपी करके और फिर मॉडिफाई कर ले अपने अकॉर्डिंगली, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, देखिए पूरा ग्रुप है लेके जाइए कॉपी कर लीजिए,
ठीक है आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमेशा थोड़ी मिलेगा ये, तो चीज़ें आप नकल तो करो लेकिन यूज अपना खुद का करो। इसको यहाँ अनग्रुप कर दीजिए तो ये अलग अलग आ जाएगा आपका। आ गया हाँ। और हर सीट पे इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब दूसरा चीज़ इसमें आता है कि ये था कि ये जो इस पे जो नेक्स्ट प्रीवियस का जो आ रहा है ये कैसे हो रहा है। जब ऊपर क्लिक करते हैं तो ये छोटा हो जाता है, नीचे क्लिक करते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो ये आखिर होता कैसे है। तो इसके लिए आप डेवलपर टैब में जाओगे तो डेवलपर टैब में आपको ये मिलेगा, ये स्पाइन बटन। इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अपने एक सीट ऐड करता हूँ और यहाँ पे अपने ये आईडी और यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं एक डेटा, एक सैम्पल डेटा बना लेते हैं क्योंकि सैम्पल डेटा पे आप लोगों को एग्जाम्पल सही तरीके से समझ में आएगा। पूजा, नीरज, कविता, इंदर, मोहित, रूपा, रुपेश, इतना ही काफी है। चलो अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देते हैं रैन बिटवीन फॉर्मूले की मदद से। कॉपी एंड इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हुआ और मैं यहाँ पे वी लुकअप की मदद से डेटा को लुक उठा रहा हूँ। आप लोग अगले सीट पे भी उठा सकते हैं, यहाँ पे हम वी लुकअप की मदद से डेटा उठा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वन कर दिया और यहाँ पे हमने लगाया वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, टेबल एरे को सिलेक्ट किए कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे हम कॉलन का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉलन कॉमा जीरो कॉमा टू। अब आगे ड्रैग करना है तो डॉलर कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा ताकि रो हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज ना हो। अब यहाँ पे हम जैसे वन डाल दिया, टू डाल दिए, थ्री डाल दिए, तो हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो मैं यहीं पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं डाल के यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस करना चाहता हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस। तो हम कहाँ जाएंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट और यहीं पे स्पाइन बटन सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा सेलेक्ट इतना बड़ा स्पाइन बटन लगे ताकि आप लिख सके उसके आगे नेक्स्ट प्रीवियस। यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, मर्ज, और इसको भी मर्ज कर देते हैं, मर्ज। यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट, और अब इसमें क्या होता है कि राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाता हूँ तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आता है। तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वन, मैक्सिमम कितना, सेवन है तो यहाँ सेवन कर दीजिए और इंक्रीजमेंट हो और चेंज यहाँ पे तो यहाँ पे कीजिए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रीवियस करूंगा तो प्रीवियस पे नंबर डिक्रीज कर देगा।
ठीक है, आया समझ में सर? कुछ लोगों की मेरी वॉइस ब्रेक हुई होगी, उनकी नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरे एंड से सही है, क्योंकि मेरे एंड से दिक्कत होगा तो सबको होता। अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो चलो एक सिस्टम जनरेटेड था, लेकिन मुझे अगर एरो के निशान के साथ चलना है, जैसे कि यहाँ पे हमने इंसर्ट में हमने ये एरो के निशान ले लिया यहाँ, कि जनरली वेबसाइट वगैरह में आप देखते होंगे कि इस तरह का निशान होते हैं। इस निशान पे चलना तो कैसे होगा कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट, इस पर क्लिक करूँ तो प्रीवियस। तो देखिए ये तो इन बिल्ड था इसलिए आप यूज़ कर ले, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइज है तो इस पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें वीवीए प्रोग्रामिंग डिसाइड करना पड़ेगा, वीवीए प्रोग्रामिंग। तो कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा माइक्रो हमें लिखना पड़ेगा, इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट, यहाँ पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट नाम का ऑलरेडी फीचर है, इसलिए नेक्स्ट। तो इस पर क्या करेंगे कि इस पर करेंगे कि ये हमारा आ गया K4, हम करेंगे रेंज K4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज K4 प्लस 1 प्लस वन, ये हो गया। अब इसी एक मैक को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा नेन पी प्रीवियस के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1, सिंपल सा कोड लिखना है। अब इस पर वर्क कैसे होगा, तो इसके लिए हम करेंगे असाइन मैक्रो, मैक्रो असाइन क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीवियस के लिए पी और नेक्स्ट के लिए असाइन मैक्रो। तो आप इंटरनेट से अगर कोई मैक्रो वगैरह मतलब कोई ग्राफिक्स वगैरह डाउनलोड करते हो उस पर मैक्रो साइन करना चाहते हो तो उस पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो हमारी मैक्रो थी जो कि हमने टैम्पलेट से डाउनलोड किया था उसमें नेक्स्ट और प्रीवियस का फंडा भी समझ गए, और आपको अगर अपना खुद का फंडा अगर खुद का अगर मैक्रो डिफाइन करना हो तो वहाँ भी आप कर सकते हो। तो इसमें जो बाकी चीज़ें फॉर्मूले की मदद से आई है, फॉर्मेटिंग की मदद से आई है, चार्ट्स में मदद आई है, तो मोस्टली आप लगा सकते हो। कि कुछ चीज़ें जो डैशबोर्ड में होती है जो कि हमसे नहीं होता है, जैसे कि ये हमारा ये चार्ट था, जैसे कि हमारा ऊपर नेविगेशन थी और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आप इसके इस्तेमाल से इस मैक्रो को खुद इस इसको क्या बोलते हैं डैशबोर्ड को खुद से बना सकते हैं। अब तो आप सबको समझ में आया ये चीजें? तो YouTube देखा किस तरीके से मैंने अभी कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी, जो कि आप अपने वो अपने घर पे बैठ के संडे का टाइम सुबह के 10 बजे आराम से बैठ के ले रहे थे। तो आप लोग ही मेरी ये क्लासेस ऑनलाइन अपने घर पे ले सकते हैं और मेरे साथ इंटरेक्टिव मीनिंगफुल एंड मोर इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं, वीवीएम ऐप को लगाना सीख सकते हैं, फॉर्मूलेज और अच्छे पे कमांड करना सीख सकते हैं, जिससे आपकी ऑफिशियल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा और अपने काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.iptindia.com, तो वहाँ पर जाइए, डैमो क्लासेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कीजिए। जी हाँ, हम 2 से 3 फ्री डैमो क्लासेस देते हैं, तो 2 से 3 आप डैमो क्लासेस लेके देखें, अगर आपको डैमो अच्छा लगता है उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। या आपको दिक्कत हो तो मुझे मेरी वेबसाइट पर नंबर है, सामने स्क्रीन पर भी नंबर आ रही है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने का साधन या टाइम नहीं है तो आप हमारी क्लासेस का DVD भी परचेज कर सकते हैं। DVD भी परचेज करने के लिए मुझे कॉल कीजिए, फिर मेरे वेबसाइट पे जाइए।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और आपको क्लासेस लेना है तो मुझे कॉल कीजिए।